बाइक का मीटर 9999 यानी कि अपनी मैक्सिमम किलोमीटर की रेंज पर पहुंचने के बाद क्या बताएगा। और आज आप अपने देश की एक ऐसी हॉन्टेड जगह देखने वाले हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ब्रेड का पहला और आखिरी पीस हमेशा ही अलग क्यों होता है। तो भाई लोगों, इस कॉमेंट को मन और मस्तिष्क में उतारते हुए और लोगों को ये बताते हुए कि अगर आप अच्छी और हेल्दी कॉमेडी करते हैं तो बालक वो भी फैमिली फ्रेंडली की ही श्रेणी में आता है, चलिए शुरू करते हैं। बालक, अगर बत्ती ले आते इतना भी पैसा क्या बचाना, कछुए छाप का क्या करूंगा मैं। गजब बेइज्जती है। ए भगवान, कब आएंगे व्यूज, कब तक कछुआ छाप से मुझे काम चलाना पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा। Guys, अक्सर हम लड़कों के बारे में ये कहा जाता है कि भैया हम तो नहाते ही नहीं हैं, जो बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन क्या आपको बताया कि भैया हम लड़कों को तो ऐवें ही बदनाम कर रखा है क्योंकि असली लेवल के कांटो इजिप्टियंस कर रहे हैं। नहीं समझे तो डोंट वरी, मैं आपको समझा कर रहूंगा। असल में गाइस, एंशिएंट इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि उनका शरीर मिट्टी का बना हुआ है, जिसके चलते हुए प्राचीन काल से लेकर आज तक जो भी लोग इसी मान्यता को मानते हुए आ रहे हैं वो महीने में एक बार या फिर सिर्फ दो बार ही नहाते हैं, क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ये ज्यादा नहाएंगे तो इनका शरीर मिट्टी की तरह घुल जाएगा और फिर बचेगी तो सिर्फ कीचड़। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसी मान्यता रखने वाले इजिप्ट की पॉपुलेशन का 1-2% नहीं बल्कि लगभग 40% के आसपास है, और वास्तव में ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। मतलब भैया क्या गंद फैला रखी है तुम लोगों ने, अबे चुपचाप जाके नहा लो यार। गाइस, हमें से बहुत से लोग शादियों में जाने के बाद अक्सर दूल्हा और दुल्हन से जानबूझकर मजाक करते हैं, क्योंकि भैया हमें पता है कि शादी के बाद इन दोनों की जिंदगी झंड होने वाली है, तो क्यों ना इन बेचारे बच्चों को पल दो पल की खुशियां ही दे दें। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही पल दो पल की खुशियां ऑस्ट्रेलिया में देनी चाहिए तो भैया औरों को तो पता नहीं, लेकिन हाँ, वहां की पुलिस आपको खुशी देने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, और फिर तुम रूठे फूफा की तरह शादी में घूमते हुए नजर आओगे। असल में गाइस, ऑस्ट्रेलियन शादी को एक सीरियस ओकेशन मानते हैं, जिसके चलते हुए ऑस्ट्रेलिया के एक लॉ के अनुसार आप किसी भी शादी में जाकर ना ही ज्यादा शोर मचा सकते हैं और ना ही दूल्हा दुल्हन से ज्यादा मजाक कर सकते हैं, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप पे सीधा ही 6,00,000 रुपए का जुर्माना या फिर आपको सीधा ही जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अजीब लेकिन सच। गाइज, आपने भी अपने स्कूल के टीचर या फिर बहुत सी बुक्स में इस चीज को तो जरूर पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी हम इंसानों की तरह ही सांस लेते हैं, लेकिन हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने हकीकत में इस अप्रतिम लेवल के काम को अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप देख रही है वो एक प्लांट की लीफ की माइक्रोस्कोपिक वीडियो है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे इन पत्तियों में भी एक तरीके का माउथ जैसा मैकेनिज्म मौजूद होता है, जो कि कुछ इस तरीके से खुलकर और बंद होकर प्लांट को सांस लेने में मदद करता है, और यही मैकेनिज्म एक पत्ती के ऊपर एक या दो नहीं बल्कि 20-25 होते हैं। वाओ गाइस, क्या आपको पता है कि जहां पूरी ही दुनिया प्रेजेंट डेट में चाइना से निकले हुए एक और नए मेहमान से अपने देश को बचाने की प्लानिंग कर रही है, तो वहीं भैया दूसरी तरफ चाइना इस समय कुछ और नहीं बल्कि पूरी ही दुनिया से बहुत बड़े स्केल पर सांपों को ही इंपोर्ट कर रहा है। मतलब भैया क्या है, चैन से जीने दोगे हमें कि नहीं जीने दोगे तुम लोग। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में चाइना अपने देश में फैली हुई वो बीमारी जिसका बेसिकली मैं नाम नहीं ले सकता वरना यूट्यूब वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड कर देगा, #बर्बाद जिंदगी, उसे ठीक करने के लिए दवाइयों का नहीं बल्कि भैया जिंदा सांपों के ही तेल का इस्तेमाल कर रहा है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि स्नेक ऑयल से ये बीमारी दवाइयों की तुलना में अपने आप ही काफी जल्दी ठीक भी हो रही है। मतलब भैया हमें तो बचपन से ये पढ़ाया जाता था कि अगर आप सांप को मारोगे तो सांपन फोटो खींच लेगी और फिर वो आपसे बदला लेगी। भैया चाइना में नहीं चलता ये ट्रेंड, या इस सांपों की सर्विस सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है, क्या चल रहा है ये। गाइस, पेरिस की शान और लोहे की दुकान यानी कि आईफिल टावर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में इस टावर को इस समय यहां पर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दोस्तों बात अगर इसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या फिर स्ट्रेटजी की जाए तो इस टावर को बनने के कुछ ही दिनों के बाद तोड़ा जाना था। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन फ्रांस ने इस टावर को साल 1887 में सिर्फ अपने स्वैग यानी कि रोले को दुनिया के सामने जमाने के लिए बनाया था, और उनकी उस समय की प्लानिंग के हिसाब से वो लोग इस टावर को 20 साल के बाद यानी कि लगभग साल 1907 में तोड़ने वाले थे, क्योंकि उस समय इस टावर की मेंटेनेंस और इस पर लगने वाले पेंट के पैसे फ्रांस गवर्नमेंट पर थे ही नहीं, और सही भी है भैया, पूरा पैसा लोहे में जो घुस गया। लेकिन इस टावर को बनाने वाले क्रिएटर गुस्टेव एफिल ने चालाकी से इस टावर में एक एंटीने और इसमें एक रिसर्च लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश कर दिया, जिसे ऑब्वियसली 20 साल के बाद तोड़ा नहीं जा सकता था, और इसलिए सिर्फ इन्हीं दो चीजों की वजह से आज तक भी एफिल टावर हमें कुछ इसी तरीके से खड़ी हुई वहां पर नजर आती है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच।
गाइस आपने भी शोले मूवी का वो फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। लेकिन क्या आपको बताया कि इस दुनिया में हकीकत में ऐसी कंट्री भी मौजूद है जिसमें कुछ इसी लेवल का कारनामा किया जाता है। ऐसे में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन आयरलैंड के अंदर होने वाली सभी शादियों में शादी शुरू होने से खत्म होने तक दुल्हन को हर वक्त ही डांस करते रहना पड़ता है और अगर वो इन 8 घंटों में कहीं पर भी रुकी तो समझो भैया उसकी शादी टूटी। क्योंकि गाइस इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि जो शैतान होता है वो खूबसूरत लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन अगर एक दुल्हन लगातार डांस करती रहेगी तो वो एक तरीके से शैतान को ही डिस्ट्रैक्ट कर देगी और वो दुल्हन को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा और यही वो कारण है जिसके चलते हुए यहाँ पर हर एक दुल्हन को लगातार डांस करते रहना पड़ता है। गाइज अक्सर हम हमारे मन की शांति के लिए बहुत से काम करते हैं जैसे कि पार्क में चले जाना, बुक्स पढ़ना या फिर किसी अच्छे इंसान से बात कर लेना, लेकिन भैया मन की शांति के नाम पर 53 बार शादी कौन करता है यार, ससुर एक ना हो पा रही है। असल में गाइज अभी जानकर हिल जाएंगे लेकिन सऊदी अरेबिया में रहने वाले अबू अब्दुल्ला ने पिछले 43 सालों में 53 बार शादी करके एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना दिया है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनका कुछ ऐसा कहना है कि इतनी सारी शादियां सिर्फ अपने मन की शांति के लिए ही कर रहे हैं लेकिन चचा को फिर भी मन की शांति ना मिल पा रही। भैया चचा थोड़ा सा रेस्ट कर लो वरना अपने मेंटल पीस के चक्कर में रेस्ट इन पीस हो जाओगे तुम लोग। अरे कौन सी शांति की बात कर रहे हो तुम, कौन सी ऐसी शांति है जो शादी करके ही मिल रही है तुम्हें। गाइस अक्सर आप में से बहुत से लोग कमेंट करके ये बोलते हैं कि हमारा और आपका ये चैनल थोड़ा सा अंडररेटेड है क्योंकि एक्चुअली हम थोड़ा सा ज्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि यही दुख और पीड़ा हमारे साथ साथ भारत की एक और जगह भी झेलती है जिसका की नाम लखनऊ ऑयल हाउस है। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन ये जगह भारत की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से भी एक प्लेस मानी जाती है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर हुकूमत कर रहे थे तो उनके बहुत से सैनिकों को खत्म करके यहाँ पर मौजूद कुएं में डाल दिया गया था, जिसके चलते हुए जब से लेकर आज तक अक्सर यहां पर लोगों को रात में काफी ज्यादा अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तो अगर भारत के कुछ चुनिंदा लोगों ने उस आवाज को सुना है तो माय इंडिया फैमिली का तो राइट बनता ही है कि वो इस आवाज को अभी सुन ही डालें। तो गाइस इन्हीं तरीके की ऑसम नॉलेज देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि एटलीस्ट भैया हम तो उस दुख दर्द से बाहर आ सके। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास में इस दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और बहुत से बड़े बड़े युद्ध देखे हैं जिसमें सिर्फ लड़कों को ही सैनिक बनाकर पार्टिसिपेट करवाया जाता था और भैया जब लड़के किसी भी युद्ध को लड़ने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लाखों की तादाद में लड़के ही मरेंगे। लेकिन क्या कभी आपने इस स्थिति में यह सोचा है कि जब युद्ध में हजारों और लाखों लड़के मर जाते हैं उसके बावजूद भी आज तक भी अर्थ पर लड़के और लड़कियों का रेशियो मेंटेन कैसे है। असल में कैसे अभी जानकर हिल जाएंगे लेकिन इस चीज को साइंटिफिक लैंग्वेज में रिटर्निंग सोल्जर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है जिसमें जब भी किसी भी कंट्री में कोई भी वॉर होती है तो वॉर से आगामी कुछ सालों तक लड़कों के पैदा होने की परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है और देखते ही देखते उस कंट्री में लड़कों का रेशियो दोबारा से ही अपने आप मेंटेन हो जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि आज तक भी मेडिकल साइंस ये नहीं जान पाई है कि एक्चुअली में ऐसा होता ही क्यों है, लेकिन यही इफेक्ट आज तक अर्थ पर लड़कों का रेशियो लड़कियों से ज्यादा मेंटेन करे हुए है। अजीब लेकिन सच। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अवतार एक ऐसी मूवी है जिसने बार बार कमाई के भैया सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में लोगों को स्क्रीन के ऊपर अवतार मूवी इतनी ज्यादा पसंद क्यों आती है, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन मौजूद है और वो ये है दोस्तों कि जब साल 2007 में पहली बार अवतार मूवी की प्रोडक्शन को शुरू किया गया था तो उससे कुछ दिन पहले यूएसए गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये बताया गया था कि दुनिया का फेवरेट कलर रेड पिंक या फिर ब्लैक नहीं बल्कि ब्लू है जिसे कि वर्ल्ड की स्टेट 40% पॉपुलेशन पसंद करती है। भैया अगर ऐसा है तो यार मैं ब्लू क्यों नहीं हूं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ये आंकड़े मेकर्स के सामने आए तो उन्होंने तुरंत ही इन कैरेक्टर्स को स्किन कलर से चेंज करके ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया एंड सरप्राइजिंगली इसी साइकोलॉजिकल फैक्टर के चलते हुए अवतार 1 मूवी ने स्क्रीन के ऊपर लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जिसके चलते हुए इस मूवी ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो भैया अब कुछ ऐसा है कि अपने इस नीले भाई की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए जो लाइक बटन है ना उसे भी नीला कर दो, जिसे टेक्निकली शायद YouTube ने अब काला कर दिया है। यार एक तो ये YouTube एक कलर पे नहीं टिकता है यार, ये हमारे डायलॉग खराब हो जाते हैं। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी बच्चे मैकडी में जाते हैं तो वहां पर मौजूद वो क्लाउन के साथ फोटो को क्लिक जरूर कराते हैं और कभी कभी तो भैया अधेड़ उम्र के लोग भी कराते हैं क्योंकि भैया देखो दिल तो बच्चा है ना उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए की किसी भी मैकडी के अंदर आपको ये क्लाउन देखने को ही नहीं मिलता, पर क्यों? असल में गाइस मैकडी इनिशियल स्टेज से ही अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए इस क्लाउन का इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है, लेकिन साल 2016 में यूएसए के एक क्रिमिनल ग्रुप ने इसी क्लाउन का वेश रखकर लोगों को तड़ीबार करना शुरू कर दिया।
यानी कि मारना। जिसके चलते हुए एक ऐसा भी समय आया जब यूएसए के बच्चे इसी क्लाउन को देखकर काफी ज्यादा डरने लगे और इसी चक्कर में उन्होंने मैग्डी जाना ही बंद कर दिया। और यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते हुए एक समय पर मैग्डी की जो यूएसपी हुआ करती थी आज वही उनकी सेल्स को काफी ज्यादा कम कर रही थी, जिसके चलते हुए ना सिर्फ यूएसए बल्कि सभी बड़ी बड़ी कंट्री से अब मैग्डी इस क्लाउन को गायब करता जा रहा है। अजीब लेकिन सच। गाइस, क्या आपको पता है कि जापान और पोकेमोन का कुछ ऐसा रिश्ता है जैसा कि एक समय पर इंडियन टिकटॉकर और रिंगलाइट का हुआ करता था, यानी कि कुछ ज्यादा ही गहरा, समझ गए ना? और उसी की तरफ पर अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट इसी सीरीज को ट्रिब्यूट देने के लिए अपने देश में आगे होने वाली एक साल तक की सभी शादियों की थीम को चेंज करके पोकेमोन थीम में कन्वर्ट करने की सोच रही है, जिसमें अलग अलग तरीके के पोकेमोन आपको शादी में मंत्र पढ़ते हुए या फिर लोगों को एंटरटेन करते हुए नजर आएंगे। वास्तव में ये चीज अपने आप में पीका पीका जरूर है। गाइस, नॉर्मली जब भी कोई भी इंसान मेट्रो के अंदर जाता है तो वो क्या करता है? नहीं, मैं दिल्ली मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में और भी मेट्रोस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और भैया वहां जाकर हम करते हैं पंचायत, क्योंकि हम देसी आदमी जो ठहरे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम साउथ अफ्रीका में जाकर कर दिया तो भैया आपको लेने के देने जरूर बढ़ जाएंगे। असल में गाइस, साउथ कोरिया के एक लॉ के अनुसार कोई भी इंसान मेट्रो के अंदर ज्यादा बात नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो मेट्रो के अंदर लगे हुए ऑटोमेटेड सिस्टम अपने आप ही उसकी फोटो को क्लिक करके पास के पुलिस स्टेशन को भेज देते हैं। और उसके बाद भैया क्या होता है ये बताने की शायद मुझे जरूरत नहीं है। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस, आपने बहुत से लोगों के मुंह से तो ये जरूर सुना होगा कि हम इंसानों से इंसानियत अब खत्म होती हुई चली जा रही है और हम भेड़िए बनते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लोगों के मुंह से निकली हुई ये बात शायद टोगो कंट्री के लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए हैं, क्योंकि भैया वो लाखों रुपए खर्च करके इंसान से भेड़िए जो बन रहे हैं। लगता है वरुण धवन के कुछ जबर ही फैन है। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन टोगो कंट्री में इस समय भेड़िए बनने का ट्रेंड एक अलग ही लेवल पर चल रहा है, जिसमें बहुत से लोग 18 से 20 लाख रुपए खर्च करके प्लास्टिक सर्जरी और स्पेशल ड्रेस से खुद को इंसान से कुछ इस तरीके से भेड़िए में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। और वास्तव में ये चीज वाओ जरूर है। करंट अफेयर की तस्वीर है, क्या आपको पता है कि अब भारत के बाद अमेरिका ने भी अपनी सभी संघीय सरकारी डिवाइस से टिकटॉक को बैन कर दिया है। बेचारे टिकटॉकर्स, कहां पर पाउडर उड़ाएंगे अब ये लोग। ब्रेड का पहला और आखिरी पीस हमेशा ही अलग क्यों होता है? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी ब्रेड के अंदर हमें पहला और आखिरी पीस कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा ब्राउन नजर आता है। लेकिन भैया आगे ऐसा होता ही क्यों है? असल में गाइस, सभी ब्रेड को एक सर्टेन डायमेंशन के लोफ में बनाया जाता है, यानी कि अगर इसे साधारण शब्दों में समझाया जाए, ओहो हमारी अगरबत्तियों के लिए पैसे नहीं है, पूरी की पूरी ब्रेड आ रही है। अच्छा, पता ही नहीं था। सो गाइस, होता कुछ ऐसा है कि किसी भी मशीन या फिर ओवन के अंदर इस ब्रेड को बिना ही काटे पूरा का पूरा ऐसे ही रख दिया जाता है, जिसके चलते हुए ओवन की जब हीट इसके ऊपर पड़ती है तो वो इसको चारों ही तरफ से बेक करना शुरू कर देती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है कि क्योंकि ये पीसेस ओवन की डायरेक्ट हीट या फिर वेव्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद इनको जैसे ही ओवन से बाहर निकाला जाता है इनके पीसेस को काट लिया जाता है, क्योंकि इन पीसेस पर कभी भी जो हीट है वो नहीं पहुंच पाती है तो ये हमेशा ही व्हाइट कलर के बने रहते हैं, जबकि जिन एजेस पर हीट पहुंच जाती है वो आसानी से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब इन लोफ यानी कि पूरी ब्रेड को जब काटा जाता है तो जो एजेस होते हैं उनके पीसेस को थोड़ा सा मोटा यानी कि थिक छोड़ दिया जाता है, जिसके पीछे का ये टूट रहा है बट थोड़ा इग्नोर कर लेना, जिसके पीछे का गाइस एकमात्र कारण ये होता है कि अगर इन पीसेस को भी ऐसा ही पतला श्रिंक करा जाएगा तो वो ब्रेड की पीसेस काफ़ी जल्दी टूट जाएंगे और उसकी जो एक तरीके की पैकेजिंग है वो करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए हीट की वजह से और ब्रेड के वो पूरे ही तरीके से प्रोटेक्ट करने की वजह से इसके फर्स्ट और आखिरी पीस को काफ़ी ज़्यादा थिक करके ब्राउन बना दिया जाता है। सो आई होप आज आपने ब्रेड के इस अमेजिंग से सीक्रेट को तो ज़रूर जाना है। बाइक का मीटर 99999 यानी कि अपनी मैक्सिमम किलोमीटर की रेंज पर पहुंचने के बाद क्या बताएगा? असल में गाइस, आपके भी खुराफाती दिमाग में कभी ना कभी ये चुंद तो जरूर उठी होगी कि भैया हमारी बाइक में किलोमीटर बताने वाला मीटर अगर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा तो वो उसके बाद क्या बताएगा? क्या वो चलना बंद हो जाएगा या फिर कोई तरीके के नए कोड को दिखाने लगेगा या एक्चुअली में उसके साथ होगा ही क्या? तो चलिए आज इसे भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, नॉर्मली किसी भी बाइक के मीटर को बनाया ही कुछ इस तरीके का जाता है कि वो कभी भी अपनी मैक्सिमम किलोमीटर की रेंज तक पहुंच ना सके, क्योंकि नॉर्मली किसी भी व्हीकल की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतने ज्यादा किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सके। लेकिन अगर फिर भी जैसे तैसे करके आप इस रेंज तक पहुंच जाते हैं तो बात अगर डिजिटल मीटर की जाए तो इस केस में गाइस डिजिटल मीटर एक तरीके के एक एरर कोड को दिखाने लगता है, जिसका सीधा सा ये मकसद होता है कि भैया अब आपको मीटर रिप्लेस कर लेना चाहिए, क्योंकि
बाइक तो आप रिप्लेस कर नहीं रहे हो, तो मीटर ही रिप्लेस कर लो। लेकिन वही बात अगर एनालॉग मीटर की जाए तो ये एनालॉग मीटर एक तरीके के सर्कल में काम करते हैं, और इस चीज को आप ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसे एक लगेज बैग के ऊपर हमें 3 नंबर वाले लॉक देखने को मिलते थे, जिसमें जैसे ही 9 नंबर पर हम पहुंचते थे और उसको दोबारा से टर्न करते थे तो वो रीसेट होकर 0 हो जाता था। और यही सेम चीज इन मीटर्स के साथ भी होती है, यानी कि अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंचने के बाद ये कुछ इस तरीके से अपने आप ही रीसेट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप लोगों की बाइक नई हो चुकी है और इसे दिखाकर तुम दूसरों से मजे ले लो। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि अगर आपका बाइक का मीटर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचा तो एक्चुअली में उसके बाद वो क्या दिखाएगा। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा की सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश काम एपिसोड दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।